शीशे वाला प्लांटर बनाने के लिए मैंने एक आइसक्रीम की खाली बकेट ली है, आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं। मैंने वाइट सीमेंट लिए, वाइट सीमेंट की जगह आप POP भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको गाढ़ा करें, गाढ़ा करने के बाद इसको इस तरह से अप्लाई कर दें डब्बे के ऊपर। पूरी तरह से अप्लाई करें और जब ये पूरा अप्लाई हो जाए तो इसको हल्का हल्का पानी लगा के गीला करते रहें और उसको प्लेन करते रहें। ये पूरा प्लेन हो चुका है। अब जो बकेट का ढक्कन था उस पर भी मैं वाइट सीमेंट लगा रही हूँ। वाइट सीमेंट लगा के इसे पूरा कवर कर दें और थोड़ा जब पूरा लग जाए तो हल्का पानी लगा के इसे प्लेन करें। अब मैंने इसको सजाने के लिए जो है ऊपर से शीशे लिए हैं। अब इन मिरर को आप प्लांटर के सूखने से पहले ही जब वो थोड़ा गीला रहे उसे ऊपर से लगा के दबाते रहें। डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हैं अपनी पसंद का। मैंने सिंपल डिज़ाइन बनाया एक साइड। कोने पर मैं टूथपिक लगा रही हूँ क्योंकि कोने पर जो है शीशे नहीं लग सकते आसानी से। दूसरी साइड मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना लें। तीसरी साइड भी मैंने अलग डिज़ाइन बनाया है क्योंकि बनने के बाद हम इसे तीनों साइड से अलग अलग तरह से घुमा के रख सकते हैं। अब इस ढक्कन पर हम भी सूखने से पहले मिरर लगाएंगे। मिरर आप किसी भी शेप के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायमंड शेप लिए और स्क्वायर लिए। मैं इसको अच्छी तरह से शीशे से भर दे रही हूँ। शीशों को अच्छी तरह से दबा दबा के लगाना है। फोक से मैं साइड वाला डिज़ाइन दे रही हूँ, लाइनों वाला। आप तो टूथपिक से भी इसमें लाइन डिज़ाइन जो लाइनों वाला डिज़ाइन है बना सकते हैं। अब ये बनकर तैयार हो गए। अब इसको सूखने दें। यहाँ पर मैं इस ढक्कन वाले जो पैलेट को है इसमें एक छेद कर रही हूँ क्योंकि अगर मुझे इसे हैंग करना हो तो ये हम इसे लटका भी सकते हैं। सूखने के बाद आप इसे ढक्कन से कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा प्लांटर सूख चुका है तो अब हम इस पर कलर करेंगे। मैंने वाइट कलर लिया है पहली कोटिंग के लिए। अब आप इस पर अपने पसंद के रंगों का चुनाव करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जो इसकी तीनों साइड है पर मैंने अलग अलग डिज़ाइन बनाया है। आप एक ही डिज़ाइन बना सकती हैं या अलग अलग कलर यूज़ कर सकती हैं या एक ही कलर का यूज़ करके आप इसको सजा सकते हैं। अब ये तैयार है। तीन साइड से मैंने इसको सजा दिया है। एक साइड से बस इसे छोड़ दिया है क्योंकि जब भी मैं इसे रखूँगी तो एक साइड इसका बैक साइड में ही जाएगा। ऊपर की तरह मैं इसको जूट की रस्सी से कवर कर रही हूँ क्योंकि वो खाली दिख रहा है काफ़ी। आप किसी और किसी कलरफुल धागे से इसको कवर कर सकते हैं। नीचे भी मैंने इसको जूट की रस्सी लगा के कवर कर दिया है। ऊपर वाले हिस्से पर कोई भी कलर कर दीजिए, आप अपने पसंद का कलर कर सकते हैं। मैंने नीला रंग किया है इस पर। अब जो हमारा ये ढक्कन था जो तैयार हो चुका था, सूख चुका है, इस पर भी मैं कलर कर रही हूँ। कलर करके आप कोई भी डिज़ाइन बनाइए, ये कुछ राजस्थानी लुक देगा। रंगों का चुनाव आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। बाकी स्पेस में मैंने इसे साइड में ग्रीन कलर कर दिया है लाइन वाले डिजाइन पर। नेल पेंट रिमूवर मैंने लिया है। जो शीशे मेरे गंदे हो गए थे प्लांटर को बनाते समय, मैं उसके ऊपर से कलर रिमूव कर दूंगी। अब ये बनकर तैयार है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।